नागौल पूर्व विधायक का कांग्रेस पर आरोप, यादवेंद्र बोले सीएम बनने के लिए मरे जा रहे कमलनाथ, खुद बीमार लेकिन दूसरे को कहते हैं बीमार। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी और दल के नेताओं को छलनी करने बयानों के तीर चलने लगे हैं। टिकट कटने की नाराजगी के बीच ऐसा ही एक तीर सतना जिले के नागौर क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने सीधे पीसीसी चीफ और सीएम इन वेटिंग कमलनाथ पर चलाते हुए नागौर समेत प्रदेश की कई सीटों पर टिकट बेचने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। टिकट काटे जाने से खफा होकर नागौर में कांग्रेस संगठन को एक ही झटके में धाराशाही कर देने वाले पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने बसपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद सोमवार की रात एक बार फिर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे दलों को बदनाम करने वाली कांग्रेस खुद टिकट बेच रही है। कमलनाथ के जितने भी लोग हैं सब पैसे पर काम कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा जैसे लोग एजेंट हैं, वहां एकदम माफिया का राज है। सतना नागौर की टिकटें बेची गई हैं, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मेरी टिकट काट दी गई। रेगांव में कल्पना वर्मा के खिलाफ पूरी विधानसभा है, एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि उसे टिकट मिले लेकिन उसे टिकट दे दिया। नागौर सीट से घोषित कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अश्विनी सिंह का नाम लिए बिना यादवेंद्र ने कहा कि जो अभी 2 साल पहले कांग्रेस में आई, जिसने पिछले चुनाव में मेरी पीठ में छुरा घोंपा, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी, उसे टिकट दे दिया गया। कहां गया कमलनाथ का सर्वे? यादवेंद्र सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे उनसे कोई लड़ने नहीं जाना है क्योंकि वो लड़ने लायक नहीं है, बूढ़े आदमी है, दिन भर सांस फूलती है, स्प्रे करते हैं, 2 लोग पकड़ के चलाते हैं तब चलते हैं, खुद मरीज हैं, दूसरे को मरीज कहते हैं, अपना नहीं देखते, मुख्यमंत्री बनने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह मुख्यमंत्री बनेंगे? यादवेंद्र सिंह ने कहा कि चाहे कमलनाथ हो या शिवराज, मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार बिना बसपा के नहीं बनेगी। 2018 में 1234 वोट से हारे थे यादवेंद्र सिंह। बता दें कि कांग्रेस के टिकट पर यादवेंद्र सिंह वर्ष 2013 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गगनेंद्र प्रताप सिंह को पराजित कर विधायक निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2018 के चुनाव में वे 1234 वोट से हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है। यादवेंद्र का टिकट कटने के बाद नागौर में सियासी भूचाल सा गया है। यादवेंद्र और उनके समर्थक विरोध पर उतर आए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।